नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शरद शर्मा और आप देख रहे हैं नमस्ते राजस्थान न्यूज़। अभी की जो एक खबर सामने आ रही है, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड्स मंडल मुख्यालय विजिलेंस वन जोधपुर के तत्वाधान में एसओसी गोपाराम विश्नोई, एएसओसी बाबू सिंह राजपुरोहित, सीओ छतर सिंह नीलू कंवर, रेंजर लीडर मंजू राठौर, महिपाल सिंह राठौर, खेम सिंह राठौर, नैतल भाटी, कृष्णा कार्तिका, शिवम जयेश्वर, भावना ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया और एक हरे जोधपुर का जो है वो सपना जो है लोगों का वो साकार हो इस उद्देश्य से कदम उठाया और वृक्षारोपण करा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप देखते रहिए नमस्ते राजस्थान न्यूज़। हमारी ये पूरी रिपोर्ट देखें जिसमें उन्होंने वृक्षारोपण के कार्यक्रम में सभी लोगों ने जो है वो भाग लिया। हार्दिक प्रसन्नता है कि राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड के स्टेट चीफ कमिश्नर माननीय जेसी मोहंती साहब के निर्देशन में ये जो कोरोना 19 जो बीमारी महामारी जो हमारे देश में और पूरे विश्व में चल रही है, उसके अंदर हमारे इस स्काउट गाइड संगठन के जो योद्धाओं ने जो जितना काम किया है, मैं समझता हूँ कि राजस्थान प्रदेश पूरे देश के अंदर इस संगठन के अंदर सर्वोपरि काम किया है और इसमें जोधपुर डिवीजन का भी अपना विशेष महत्व रहा है। आज ये खुशी की बात है कि जोधपुर डिवीजन के अंदर एक निर्मल तट योजना जो चल रही है भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय की, उसके अंदर जोधपुर मंडल के सभी रोवर्स और रेंजर्स साल भर तक जो हमारे कायलाना झील हैं उस पर सफाई का कार्य करेंगे और इसके लिए भारत सरकार द्वारा इनको बजट भी आवंटन किया जाएगा। इस समय हमारा एक स्वच्छता कार्यक्रम चल रहा है, सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम चल रहा है, उसके तहत भी आज वृक्षारोपण किए गए और हमारे स्टेट कमिश्नर जितेंद्र सोनी साहब का एक संदेश है कि सभी जगह अधिक से अधिक पीपल के पेड़ लगाए जाएं, पेड़ लगा करके उनकी सुरक्षा की जाए और इसी उद्देश्य के लिए सभी रोवर्स और रेंजर्स इस काम में लगे हुए हैं और जोधपुर डिवीजन के अंदर इसका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ में बाबू सिंह जी राजपुरोहित जो हमारे सहायक राज्य संगठन आयुक्त हैं, उनका मार्गदर्शन और निर्देशन से डिवीजन निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर अपना अग्रणी स्थान बनाए हुए हैं। धन्यवाद।